और NDMC एरिया में फ्यूचर में क्या क्या प्लानिंग है, उससे भी हमें अवगत कराएं, जिससे कि यहाँ के निवासियों का जीवन रहन सहन बहुत सुलभ हो सके, सुचारू रूप से चल सके। एक बार जोरदार तालियां। RWA के भी और दिल्ली के अभी RWA नहीं, दिल्ली के एमिनेंट लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, प्रतिष्ठित लोग हैं, और आप सब अपने आप में एक एक इंस्टीट्यूशन भी रहे हैं, तभी आप यहाँ पर हैं, नहीं तो कोई आम व्यक्ति तो यहाँ पहुँच ही नहीं सकता। इसलिए आज मुझे राजीव का फ़ोन आया था कि हम यहाँ की कुछ इश्यूज़ हैं, ये वैसे ही मुझे बुला रहे थे, तो मैंने कहा मैं ऐसे तो कभी भी मिलेंगे, लेकिन अगर कोई यहाँ की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ यहाँ की समस्याएं हैं जिनमें हम कोई योगदान दे सकते हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि मैं NDMC में मुझे अगर बनाया गया है तो मेरी अपने आप से बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है, अपने आप से मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मुझे बहुत कुछ करना है, और उस करने में वो चाहे दवंदीप बिल्डिंग हो और चाहे वो हरिजन बस्ती हो, तो एक तरफ दवंदीप बिल्डिंग है और दूसरी तरफ हरिजन बस्ती है, मुझे सबके लिए ही बराबर समानता के साथ काम करना है। और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि मुझे, क्योंकि यहाँ की समस्याओं के बारे में बहुत मालूम नहीं था, तो हमारा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट है, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट है, बाकी लोग हैं, आपने मुझे अगर एक बार कोई चीज़ कह दी तो आपको दोबारा कहने की ज़रूरत ही नहीं, और अगर दोबारा किसी नेता को कहना पड़े तो फिर वो नेता बनने लायक नहीं, क्या बात, फिर वो नेता बनने लायक। तो इसलिए मैं आपसे एक वायदा ज़रूर करता हूँ कि मेरे काम करने की ईमानदारी में कभी कोई कमी नहीं आएगी, कि मैं आपको, मैंने कुछ कह दिया और नेताओं वाली भाषण दे दिया और बात कर दी और बात खत्म हो गई। हमें करना है कुछ, परिवर्तन करना है, चेंज करना है। एक आपकी LNDO की प्रॉब्लम है, उसका NDMC से कोई बहुत ज़्यादा संबंध नहीं है, लेकिन उसमें भी हम जो भूमिका अदा कर सकते हैं, आप हमारे को एक पूरा रिप्रेजेंटेशन दीजिए, क्योंकि